अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस सबति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रिल हकीम। अल्लाह ताला सूरह बक़रा की आयत नंबर 65 और 66 में इरशाद फरमाते हैं। पहले 65 का हम तर्जुमा सुनेंगे इंशाअल्लाह सूरह बक़रा की, कि अल्लाह ताला कहते हैं यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुमसे हफ्ते के सिलसिले में हफ्ता के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। और फिर इसे हमने अगलों पिछलों यानी पहले और बाद में आने वालों के लिए इबरत का सबब बनाया और परहेजगारों के लिए वाज़ो नसीहत यानी नेक लोगों के लिए नसीहत और दूसरों के लिए इबरत। ठीक है जी। अल्लाह ताला ने बेसिकली इस आयत मुबारका में इशारा दिया है फिर से बनी इसराइल को भी और हमें भी, कि याद रखो कि जब हफ्ते की ख़िलाफ़ वर्जी की उन्होंने तो फिर उनके साथ क्या हुआ। हफ्ते की ख़िलाफ़ वर्जी क्या थी? ये हफ्ते के दिन इनको काम मना था, यानी इस दिन रोज़ी रोटी का काम नहीं करना, ये सिर्फ़ इबादत का दिन है, इबादत करनी है। ये तवज्जो से सुनिएगा, ये सिर्फ हफ्ता एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, हमारे लिए भी इसमें कुछ है। तो पहले तो उनके लिए इशारा कि अल्लाह ताला की जो दी हुई खिलाफत है ना, इंसान में बड़ा ये एक गुरूर है कि मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जिधर चाहूँ उठ सकता हूँ, जिधर चाहूँ बैठ सकता हूँ, जिसको चाहूँ उलट दूँ, जिसको चाहूँ मार दूँ, जिसको चाहूँ छोड़ दूँ। ये एक सुपर वेपन की तरह कोई एब्सोलूट पावर नहीं है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला कभी कभी इंसानों को झटके देता है, जिसे कहते हैं ना बिजली का झटका लगना या आसमान से बिजली का एक कड़का लगना। वो होएगा, वो होता रहेगा, जगाने के लिए बंदों को, याद कराने के लिए कि तुम जो इख्तियार लेके आए हो ये इट्स विद अकाउंटेबिलिटी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक इख्तियार है जिसके साथ तुम्हारा एहतसाब भी होगा कि इस इख्तियार का किया क्या। ये ग्रांटेड है, ये कोई तुम्हारा अपना पैदा किया हुआ इख्तियार नहीं है। अल्लाह जब चाहे इस इख्तियार को तुमसे, पावर को लेके तुम्हें ही एक निशाने इबरत बना दे। तो याद रखिएगा सूरह बकरा में जब 29-30 नंबर से जो बात शुरू हुई थी ना, जो आदम को जब अल्लाह ने ऐलान किया कि मैं खलीफा बना रहा हूँ, यानी आदम और उसकी औलाद अब खिलाफत करेगी, ज़मीन पर हुकूमत करेगी, तो फरिश्तों ने सवाल किया था ना कि या अल्लाह ये तो फसाद मचा के रख देगा। तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, यानी इंसान से कोई बहुत बड़ा काम लेना था, खिलाफत उसको दी गई। तो इस मिशन के अंदर जो जो भी बदमाशी दिखाएगा, अपनी सरकशी दिखाएगा कि नहीं जी जो मैं चाहूँगा वही होगा, जो मेरी सोच और मेरी अकल है वही सबसे ऊपर है, अल्लाह कुछ नहीं है, फिर उनके साथ बंदर ही वो बनेंगे। और ये खाली बंदर नहीं बनने, बंदर तो अल्लाह की मखलूक है, मगर ये वाले जो बंदर हैं ये एक सज़ा बनाई, ह्यूमिलिएशन थी कि जाओ तुम जानवर हो, तुम इंसान बनने के लायक ही नहीं हो। इसके पीछे ये भी एक अल्लाह ताला ने एक इशारा दिया, ठीक है ना। तो इसमें बंदरों की कोई ह्यूमिलिएशन नहीं, हमारी इंसान की ह्यूमिलिएशन है कि तुम्हें मैंने इंसान बनाया था अहसनी तकवीम। अल्लाह की सबसे मखलूक जो खूबसूरत है ना, हसीन मखलूक, वो इंसान है। मगर जब वो घटियापन पे आ जाए तो फिर अल्लाह ने कहा वो जानवर से भी बदतर होता है। तो ये खाली बंदर नहीं है, ये जलील ह्यूमिलिएशन वाले जानवर बनाए गए, यानी कि लानत उनके ऊपर थोप दी गई। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये एक लोगों के लिए नसीहत थी, इबरत थी, मिसाल थी, नमूना था, और आज भी है। आज भी यकीन माने इस वाक़े के बाद, उस वक्त भी यहूदियों ने जिन्होंने ये सैटरडे की वायलेशन की, उनकी इस मिसाल से यहूदी इतना खौफजदा हुए जो बच गए कि उन्होंने, आज भी यहूदी जो हैं सैटरडे के दिन इबादत करते हैं, और यकीन माने बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की हफ्ते वाले दिन फ़ोन और इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं करते। आप उन्हें कॉल करें वो आपकी कॉल भी नहीं उठाएंगे। मेरे एक जानने वाले थे यहूदी मुरब्बी रहबाई, उनसे मुझे पूछना पड़ा। मैंने कहा मैं आपको हफ्ते को कॉल नहीं करता, कहता हाँ मैं पसंद नहीं करता कि मुझे कोई कॉल करे, मगर कोई मजबूरी हो तो कर लेना, मैं बात कर लेता हूँ। सुबहान अल्लाह, मैंने कहा यार देखो इस कौम ने वाकई इबरत तो पकड़ी है इस चीज़ से, तो अब हमारे लिए इसमें क्या सबक है, अब हमें भी सोचना है। क्योंकि अब इस वक्त जो खिलाफत है वो तो उम्मत मोहम्मदिया के पास है, होनी तो उन्हीं के पास चाहिए थी, मगर इस काबिल तो वो नहीं रहे, तो बंदर तो बने हुए, जलील हो रहे हैं दुनिया जहान में, और अल्लाह के रद्द किए हुए लोगों के हाथों जूते खा रहे हैं। ये सबक है। अच्छा हमारा हफ्ते का दिन तो नहीं है, फिर हमारा कौन सा दिन है जनाब? हम पे अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि हमारे लिए हफ्ते का पूरा दिन रखने की बजाय अल्लाह ताला ने हमें जुम्मे का सिर्फ वो एक घंटा दे दिया जो इबादत का घंटा, उसमें भी अल्लाह ताला ने 5 लोगों को रुख्सत दे दी, बच्चे को, ग़ुलाम को, ख़ातून को, मुसाफिर को, मरीज़ को। 5 लोग हैं, इनको सही हदीसें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दे दी। इतना अल्लाह ने करम किया, आसानी की। तो और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि यहूद को हफ्ता मिला, जो है ये ईसाइयों को, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को इतवार मिला, और मेरी उम्मत को जुम्मा मिला। सबसे आखिर में आई, मगर दिन हमारा पहले आ गया, जुम्मा फिर हफ्ता फिर इतवार। तो हमें अल्लाह ने जुम्मा फ्राइडे नसीब किया, वी आर द पीपल ऑफ फ्राइडे। तो हमारा जो है ना यौम सब्त वो है फ्राइडे, हमने फ्राइडे को वायलेशन नहीं करनी। और अल्लाह के नबी ने कहा, इस आयत में ये सबक की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो शुरू में मैंने कहा था कि हमारे लिए भी कुछ है तो गौर कर लें। अल्लाह के नबी ने कहा, जैसे यहाँ है ना कि हफ्ते को अल्लाह की खिलाफ वर्जी ना करो, हद से आगे ना जाना, हफ्ते की वायलेशन ना करना। जुम्मे की वायलेशन भी बड़ी ख़तरनाक है, यानी जुम्मे को जब आप थर्सडे का सनसेट हो जाए ना तो आपका जुम्मा शुरू हो जाता है, वहाँ से लेके अगले दिन जुम्मे की मगरिब तक आपके ये 24 आवर्स जो है ना, समझे आपका हफ्ता है। उसमें आपने मेक श्योर करना है कि नेक काम हो, कोई पार्टियाँ, उल्टे सीधे काम, गुल गपाड़े, शराब, नशा, मस्ती, म्यूज़िक, आप समझ रहे हैं ना म्यूज़िक से मुराद मैं कौन से म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, उल्टा सीधा गंदी चीज़ें जिसमें गंदे मैसेजेस होते हैं, जो भी इस किस्म की चीज़ें जो हैं, फहाशी वाली बातें, इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। और अल्लाह के नबी ने बताया कि ये वो दिन है जिस दिन क़यामत कायम होनी है, और इस दिन अल्लाह की हर मखलूक इस खौफ में होती है कि कहीं आज ही क़यामत ना आ जाए। तो हमारा जो सैटरडे है ना, अब वो है जुम्मा, और ये जुम्मा ही जो है अब ये वो आखिरी दिन है जिसकी वायलेशन बहुत सीरियस है, और इसी दिन दुनिया ने ख़त्म भी होना है। तो देख लें आप, आपके सामने मिसाल है कि जिन्होंने हफ्ते को अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, हफ्ते की इबादत का हक अदा नहीं किया, उनके साथ क्या हुआ। अब जुम्मे का सोच लें क्या होगा। और अल्लाह के नबी ने बता भी दिया कि जो जुम्मा छोड़ेगा उसके दिल पे अल्लाह मोहर लगा देगा कि वो बेहिदायता रहेगा। ये 3 जुम्मों की हद लगा दी। तो मुसलमान जो है ना, वो कोई मुसलमान भी जुम्मा ना छोड़े। ख़वातीन भी जो है, बेशक उन्हें रुख्सत है, मगर ये तो नहीं कहा कि फ़र्ज़ है कि आपने लाजमी छोड़ना है, आपको रुख्सत दी, आसानी की। क्योंकि बाज़ बहनों के अयाम होते हैं, कोई हामिला होती है, कोई मुर्ज़िया होती है, कोई कुछ मसले होते हैं, किसी को निफास होता है, हैज़ होता है। इन सब मसलों की वजह से अल्लाह ताला ने नबी अकरम रहमत लिल आलमीन हैं, रहमत हैं, उनके ज़रिए आप पर, हमारी बहनों माओ बहनों पर रहमत की। उस रहमत का मतलब ये नहीं है कि आप दीन से दूर ही हो जाएं, जुम्मा पढ़ें ही ना। जहाँ जहाँ मौका मिले, जहाँ औरतों का इंतज़ाम है, वहाँ जुम्मा पढ़ने ज़रूर जाएं इंशाल्लाह। हाँ, रुख्सत का फ़ायदा उठाएं, मगर ये ना करें कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ये भी सिलसिला बना लिया कि चलो मैंने कौन सा जुम्मा पढ़ने जाना है, आओ जी आज लेडीज़ लंच रख लेते हैं जुम्मे के दिन। अब बताएं, ये कोई अच्छी बात है? खुद दिल पे हाथ रख के सोचें कि आप लेडीज़ लंच की बजाय, कोई सोशल पार्टी की बजाय, क्या अल्लाह के घर नहीं आ सकती? जब किसी के घर जाके सोशल गैदरिंग कर सकती हैं, वहाँ चुगलियाँ हो सकती हैं, वहाँ गाने और उल्टे सीधे काम हो सकते हैं, तो नमाज़ पढ़ने में क्या है? नहीं जी, वो तो हमें माफ़ है। सुबहान अल्लाह, यानी नमाज माफ़ है और नाच गाना जो है उसकी इजाज़त है। ये कौन सा दीन है? ये इस्लाम तो नहीं हो सकता, बल्कि कोई भी रिलीजन इसको अलाउ नहीं कर सकता, तो चाहे वो बातिल दीन ही क्यों ना हो। अंदाज़ा करें, पिछले दीन तो अब कैंसिल हो चुके हैं, मगर उनमें भी इस काम की इजाज़त नहीं थी। हफ्ते वालों का अंजाम आपके सामने है। मुझे आपको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और जुम्मे का एहतराम करने की तौफीक दे। बल्कि तमाम दिन ही अल्लाह के दिन है, हर दिन में अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी की तौफीक दे, मगर ख़ास तौर पे इस मोहतरम दिन, एहतराम वाला दिन जो हमारा अब जुमा है, इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम कहीं असहाबे सब्त की तरह अल्लाह ताला की लानत में ना पकड़े जाएँ। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। वल्लाहु आलम।